हेलो, वेलकम अगेन टू माय किचन। मैं हूँ नेमत। आज की रेसिपी है गरम मसाला। यूँ तो यूट्यूब पर गरम मसाले की कई रेसिपी मैंने डाली हुई है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल गरम मसाला है। ये मुगलई नॉनवेज डिशेस में डाला जाने वाला गरम मसाला है और ये बहुत ही स्पेशल खुशबूदार और ज़ायक़ेदार गरम मसाला है। यूँ तो YouTube पर मैंने गरम मसाले की कई रेसिपीज़ डाली हुई है, मगर ये उन सबसे अलग है। हम जो कोरमा, कलिया, कोफ्ते और तरह तरह के कबाब बनाते हैं, उनमें आमतौर से यही गरम मसाला डाला जाता है। और ये इतना ज़बरदस्त है कि आधा केजी में 2-3 चुटकी डालना ही काफ़ी होगा। काफ़ी डेंस है और बहुत ही चुने हुए गरम मसाले से बनाया गया है। आमतौर से जो मार्केट वाला गरम मसाला होता है, वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड होता है और उसमें सस्ते गरम मसाले ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ज़ीरा, दालचीनी और धनिया वगैरह। मगर ये गरम मसाला हमने ख़ास तौर से मुगलई डिशेस के लिए तैयार किया है। तो अपने घर में बनाने का यही फ़ायदा है कि हम उसे बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत अच्छे से बनाते हैं, साथ ही चुने हुए बेहतरीन मसालों को इकट्ठा करते हैं। तो और अपनी पसंद के मुताबिक हम गरम मसाला बनाते हैं, क्योंकि हर घर की पसंद अलग होती है। कहीं ज़्यादा स्पाइसी खाया जाता है तो हम अपने गरम मसाले में काली मिर्च को बढ़ा सकते हैं, या अगर मसालों में से किसी की स्मेल पसंद नहीं, जैसे कि दालचीनी या इलायची वगैरह, तो हम उसे स्किप कर सकते हैं या उसके वज़न को कम कर सकते हैं। मसाले को पीसने से पहले हम उसे थोड़ा गरम कर लेते हैं। गरम करना ज़रूरी नहीं, अगर आपके घर में बहुत कड़क धूप आती है तो स्टील के प्लेट पर रखकर दिन भर उसे अगर धूप में डाल दिया जाए तो वो भी मसाला बनाने के लिए काफ़ी है। मगर जहाँ धूप नहीं आती, वहाँ इसे थोड़ा गर्म कर लेना बेहतर होता है। मगर इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, वरना ज़्यादा गर्म करने से इसका जो नेचुरल तेल है वो बाहर निकल आता है और पीसने के बाद गर्म मसाला उतना खुशबूदार नहीं बनता और चिपचिपा बन जाता है। अगर आपका मिक्सी 700 वाट से कम का है तो कड़े मसाले को तोड़कर पीसना ज़्यादा बेहतर होगा। नॉब को रुक रुक कर 3 बार चलाएं, फिर 30 सेकंड तक इसको लगातार चलाना काफ़ी होता है। इतने में ही मसाला बारीक हो जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना ड्राई और कितना बारीक सा पीसकर 30 सेकंड में ही तैयार हो गया है। तो इस तरह से मसाले को बनाने से मसाले का रंग, कलर और स्मेल बना रहता है। मैंने यहाँ पर गरम मसाले को नापने के लिए टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है, जो आम सर्विंग टेबल स्पून घर में होता है। सभी मसाले को मैंने एक एक चम्मच लिया है, जैसे कि एक ही चम्मच काला ज़ीरा, एक ही चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। आप इसकी क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो इस तरह से गरम मसाले को बनाएं, ये काफ़ी दिनों तक खुशबूदार बना रहता है। बस इसे एयर टाइट जार में रखें और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए थोड़ी क्वांटिटी अलग से किसी बॉटल में रख लें। इस तरह से मसाला आपका सूखा और खुशबूदार बना रहेगा। तो बनाएं, उम्मीद है इस तरह से बना हुआ गरम मसाला आपके डिशेस को बहुत ही जायका देगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से बना हुआ मसाला आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है कि हमने कुछ अच्छा बनाया, अपने हाथों से बनाया। स्वाद से भरपूर इस गरम मसाले का छोटा पाउच बनाकर आप अपने रिलेटिव्स को अगर गिफ्ट करें तो वो खुश हो जाएंगे, और ये बहुत ही कीमती गिफ्ट है। तो इस तरह से गरम मसाला बनाएं, खाएं और खिलाएं। और अगर पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।